An Academy. Let's crack it. रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, रियल लाइफ की जो आपने सीआरपीसी चलते हुए देखी होगी, आपने अपनी रियल लाइफ में अपनी आंखों से सीआरपीसी कैसे देखी है उसके बारे में सुनो। आपने क्या देखा होगा एग्जाम में आता है इसलिए नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है सीआरपीसी। आप देखो, आपने रियल लाइफ में सीआरपीसी कैसे देखी है, आपने देखा होगा कि एक्यूज होगा एक, जी गर्दन पकड़ के लेके जाते हैं, बिल्कुल एक्यूज होता है वो, कोई एक्ट करता है, कोई एक्ट करता है विक्टिम के ऊपर, विक्टिम के ऊपर ये विक्टिम इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, ये पुलिस इसकी इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेशन करती है, ये पुलिस इसकी इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेशन करती है और फाइनली एक रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर देती है। आपने सीआरपीसी आज तक इसी तरीके से देखा है जी, क्राइम पेट्रोल में भी यही तरीका दिखाते हैं ना, एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ने क्राइम किया है, एक्यूज ने कोई क्राइम किया है यानी कि कोई अफेंस किया है विक्टिम के साथ, विक्टिम ने पुलिस को बताया, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट कर दी। फाइनली उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने सबमिट कर दी। अच्छा एक बात और समझते हैं, हमारा रियल इंटरेस्ट रियल लाइफ की सिचुएशन है और हमारा रियल इंटरेस्ट इस कहानी में, इस पूरे प्रोसीजर में, चाहे हम क्राइम पेट्रोल देख रहे हो या फिर रियल लाइफ की सिचुएशन हो या फिर कोई मूवी हो, कोई मूवी देख लो आप, कोई रियल लाइफ की सिचुएशन देख लो या फिर आप कुछ और देख लो, क्राइम पेट्रोल देख लो, आपका इंटरेस्ट इस दो जगह होता है, एक एक्यूज्ड में और एक पुलिस में, आपका सारा इंटरेस्ट यहां है, आपका सारा इंटरेस्ट यहां है।